हेलो फ्रेंड, देसी इंडियन फूड में आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल देसी इंडियन फूड। आज हम बनाएंगे अंडा ब्रेड रोल। इसे बनाना बिल्कुल आसान है। अंडा ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें चाहिए उबला हुआ अंडा, ब्रेड, आलू। आलू को हमने पहले उबाल लिया है, बारीक कटा हुआ प्याज, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो, लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, हरा मटर, मटर को भी हमने उबाल कर पका लिया है, हरा धनिया, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक, तेल। हमें चाहिए रोल को तलने के लिए। पहले हम ब्रेड के ब्राउन पार्ट को काट लेते हैं। इस तरह से काट लें। अब हम आलू को मैश कर लेते हैं। आलू मैश हो गए हैं। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, इसमें हम प्याज, हरा मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छे से इसे फ्राई कर लें। ये देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें मटर, आलू, काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे अच्छे से मिला लें। मसाले को तेल छोड़ने तक पकाएं, लगभग 5 से 6 मिनट। अब हम इसमें अंडे को क्रश कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिला लें। अब हम इसमें हरा धनिया मिलाएंगे। ये देखिए मसाला बनकर हमारा तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम ब्रेड में मसाला डालकर रोल बना लेते हैं। पहले हम ब्रेड को लेकर पानी में हल्का डुबाकर निकाल लेते हैं। इसे हथेली पे रखकर हल्के हाथों से दबाकर पानी निकाल लें और ध्यान रहे कि ब्रेड टूटे ना। अब हम इसमें मसाले भरेंगे। इस तरह से भर लें। अब इसे हल्के हाथों से दबा दबा कर रोल बना लें। ये देखिए हमारा रोल बनकर तैयार है। अब हम इसे तेल में तलेंगे। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ब्रेड रोल डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसे बराबर चलाते रहें ताकि सभी तरह से अच्छे से पक जाए। ये देखिए रोल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसे आप टोमेटो सॉस या ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं।
अगर आपको हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल देसी इंडियन फूड।